हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KGM ग्रुप पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं स्माइल प्रोजेक्ट मैथ सब्जेक्ट कक्षा 10th और पेपर 2। आज हम पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड, जल्दी से आज का जो पेपर 2nd है उसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक पतंग भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसके धागे का भूमि से झुकाव 30 डिग्री है, तो धागे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डायग्राम बेस होंगे। अगर आप डायग्राम सही तरीके से बना पा रहे हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग को आप इस तरह से एक समकोण त्रिभुज के रूप में बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे, तो यहाँ पर भूमि से जो पतंग आकाश में उड़ रही है उसकी जो सीधी हाइट दी हुई है वो 90 मीटर दी हुई है, और पतंग का जो धागा है वो तिरछा होने वाला है, और जो तिरछा धागा होगा वो इस समकोण त्रिभुज में हमारा कर्ण का काम करने वाला है। तो कर्ण हमें यहाँ ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज में कर्ण हमें ज्ञात करना है और लंब यहाँ हमें दिया हुआ है। तो साथियों, इसके लिए हमें जो दाएं तरफ मैंने सूत्र लिखा हुआ है लाल बटे कक्का, ये सूत्र हमें काम में लेना है। ये त्रिकोणमितीय जो फलन है और जो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य जो संबंध है वो ये लाल बट्टे कक्का से लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमें वह कॉम्बिनेशन देखना है कि हमें लंब दिया हुआ है और कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो यह जो कॉम्बिनेशन है वो साइन थीटा के सूत्र में आपको देखने को मिलेगा। साइन थीटा का जो सूत्र होगा वो लंब बटे कर्ण होने वाला है यहाँ पर। तो हमें लंब बटे कर्ण यहाँ लेना है। जो थीटा है, जो झुकाव है पतंग की डोर का जमीन के साथ, भूमि के साथ जो झुकाव है वो 30 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ हमने लिया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। L का मतलब यहाँ लंब है, K का मतलब कर्ण है, और A का मतलब आधार है। तो जैसे ही मैंने साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिखा, साइन थीटा, थीटा का मान हमने 30 डिग्री लिख दिया और लंब है 90 डिग्री, और कर्ण को आप कर्ण भी लिख सकते हैं या कर्ण की जगह x मान सकते हैं, क्योंकि हमें कर्ण का ही मान यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में निकालना है। तो सिंपली मैंने रखा और उसके बाद में वज्र गुणा किया। वज्र गुणा करने के बाद में जो कर्ण आ गया वो 180 हमारा आ गया, अतः यही हमारे धागे की लंबाई होने वाली है। तो धागे की लंबाई जो है वो हमारी हो चुकी है 180 मीटर। इसी तरह के क्वेश्चंस आप बुक से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, दो खिलाड़ी पी और क्यू शतरंज का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात है कि पी द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। दोस्तों, प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो यहाँ पी द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 3/7 है, तो हमें यहां पर क्यू द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। साथियों, पहले क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर पी द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 3/7 दी हुई है। पी अगर मैच जीत रहा है तो उसकी प्रायिकता है 3/7। साथ में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यू द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो एक सिंपली हम सोच सकते हैं कि क्यू मैच कब जीतेगा, जब पी मैच हारेगा। साथियों, दो खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं तो एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, या दूसरा जीतेगा तो पहला हारेगा। तो उसी चीज का हमें यहाँ पर उपयोग करना है कि क्यों द्वारा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं इसको, क्यों द्वारा मैच तभी जीता जाएगा जब पी द्वारा मैच हारा जाएगा। अतः पी द्वारा मैच हारने की जो प्रायिकता है वो क्यों के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। पी के द्वारा मैच जो हारने की प्रायिकता है वो क्यू द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता होने वाली है। तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि पी द्वारा मैच हारने की प्रायिकता या नहीं जीतने की प्रायिकता वो होगी बराबर 1 - पी के मैच जीतने की प्रायिकता। साथ ही सूत्र भी है, ये काफी सारे क्वेश्चंस में आपको काम आने वाला है कि आपको दिया हुआ है किसी के मैच जीतने की प्रायिकता और आपको नहीं जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो दोनों स्थिति में आपको 1 से घटाना है। जैसे यहाँ आपको निकालना है पी द्वारा मैच नहीं जीतने की प्रायिकता, तो हम कर देंगे 1 - पी के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। बहुत सिंपल है, तो हमने 1 के घटा दिया पी के मैच जीतने की प्रायिकता 3/7 को, तो आ गया हमारा 4/7। तो अगर पी मैच हारता है उसी कंडीशन में क्यू मैच जीत जाएगा, तो क्योंकि मैच जीतने की जो प्रायिकता होगी वो हमारी होगी 4/7।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, यदि एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, समरूपता से संबंधित क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप त्रिभुज हैं और साथ में हमें बीसी भुजा की लंबाई दी हुई है 4 सेमी और क्यूआर भुजा की लंबाई दी हुई है 9 सेमी, तो हमें त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक ये प्रमेय भी है, इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, इन दोनों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है बराबर इनकी जो संगत भुजाएं हैं उन संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यही चीज मैंने लिखी है, संगत दो भुजाएं यहाँ दी हुई है, पहले त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी जो भुजा है संगत भुजा क्यू आर है, बीसी की जो संगत भुजा है क्यू आर है, तो दोनों संगत भुजाएं दी हुई है, तो सिंपली हमें यहाँ पर बीसी और क्यू आर का मान रख देना है और रखने के बाद में उसका वर्ग कर देना है। यहाँ वर्ग मैंने कर दिया, 4 का 16 हो गया, 9 का 81 हो गया, तो दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो हमारे लिए आ चुका है 16/1। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लेने वाले हैं, बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि बहुपद एफ एक्स को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल क्यू एक्स और जो शेषफल है आर एक्स वो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, तो हमें बहुपद जी एक्स का मान ज्ञात करना है। दोस्तों तो यहाँ पर हमें सिंपली यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है उसका हमें उपयोग लेना है, या सिंपली हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों यहाँ पर 4 अज्ञात राशियां हैं, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, उसमें से हमें 3 चीज दी हुई है, यहाँ पर भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है, तो इन तीनों चीजों का मान हम इस प्रमेय में रखने वाले हैं और जो भाजक है जी एक्स उसका मान निकालने वाले हैं। भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिस संख्या का हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जो हमें यहाँ ज्ञात करना है, जो भागफल है भाग देने के बाद में जो आंसर आता है वो हमारा भागफल कहलाता है और जो लास्ट में शेष बचता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, तो हमें इन तीनों का मान यहाँ पर मैंने रखा है, आप देख सकते हैं, आप खुद अपनी नोटबुक में भी ये मान रख सकते हैं। रखा मैंने, मान रखने के बाद में यहाँ मैंने पक्षांतरण किया दूसरे वाली लाइन में, और पक्षांतरण करने के बाद में जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और जो गुणा वाली संख्या है वो भी दूसरे पक्ष में मैंने भेज दी पक्षांतरण के थ्रू, तो ये भाग में चली गई x माइनस 2। तो gx का मान निकालने के लिए हमें जो 3 घात वाला जो बहुपद है उसमें इस 1 घात वाले बहुपद का भाग देना है। तो आप खुद भी बुकलेट में भाग आपके दे सकते हैं, यहां पर मैं एक बार आपको भाग भी समझा देता हूं। भाग देने का बहुपद में ये नियम है कि अधिक घात वाले बहुपद में हम कम घात वाले बहुपद का भाग देते हैं, तो यहां 3 घात वाले बहुपद में हमें 1 घात वाला जो बहुपद है उसका भाग यहाँ पर हमें देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें भाग देने के लिए एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे भाज्य को, क्योंकि हमें यहाँ पर जो पहला पद पे हमें ध्यान रखना है, पहला पद x3 है, तो हमें x3 यहाँ पर लेकर के आना है। तो भाज्य को हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, भाज्य हमारा यहाँ x-2 है, तो x-2 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में x3 आ जाए। तो यहाँ पर मैंने भागफल में आप देख रहे हैं सबसे पहले x2 लिखा, तो x2 को जब मैं x-2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा x3-2x2, तो x3 आ चुका है, तो हमें पहली बार में x2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में जैसे ही हम घटाएंगे तो आप सभी को मालूम होगा घटाने पर हम जो नीचे वाले बहुपद होता है उसके दोनों संख्याओं के जो पद हैं उनके चिन्ह हम बदल देते हैं। तो यहाँ x3 का मैंने चिन्ह बदल दिया, माइनस का हो गया, और -2x2 का चिन्ह बदल दिया वो प्लस का हो गया। समान संख्या विपरीत चिन्ह होने के कारण x3 वाला पद कट गया और यहाँ पर मैंने माइनस और प्लस किया तो ये -x2 बच गया, और जो बचा हुआ है +3x और -2 वो ऐसे के सामने उतार दिया। फिर वापस हमें वही प्रोसेस फॉलो करनी है। यहाँ पर यहाँ हम देखेंगे पहला पद जो है दोबारा भाग देने पर -x2 है, तो यहाँ मुझे -x2 लेकर के आना है। तो भाज्य को मैं किस संख्या से गुणा करूँ कि मेरे पास जो पहला पद है वो -x2 आ जाए, तो मैंने देखा -x मैंने यहाँ पर लिया, तो हमें यहाँ -x लेना है। जैसे मैं -x को x-2 से गुणा करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -x2 और -+2x आ जाएगा।
तो यहाँ पर सेम लिखा, दो घात वाले के नीचे दो घात वाला पद लिख दिया और एक घात वाले के नीचे एक घात वाला पद लिख दिया, और घटाने के लिए वही चिन्ह चेंज हो गए नीचे वाली संख्या के बहुपद के, तो ये माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो समान संख्या विपरीत चिन्ह कट गया, प्लस 3 में से माइनस का 2x घटाया तो प्लस का x बच गया, और माइनस 2 जो बचा हुआ है उसको हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया। वही एक बार और भाग की प्रक्रिया हमें करनी है, वही दोहराना है, अब हमें एक्स माइनस 2 में भाग देना है और भाग भी हमें एक्स माइनस 2 का ही देना है। तो यहाँ पर किससे गुणा कर रहे हैं हम, सिंपली है, एक से मैं गुणा करूंगा तो वही संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर लास्ट में मैंने प्लस का 1 लिखा भागफल में, और जब इसको एक्स माइनस 2 से गुणा किया तो एक्स माइनस 2 ही आ गया, और आने के बाद में आप देखोगे ये दोनों ही पद सेम होने के कारण, समान संख्या विपरीत चिन्ह होने के कारण कारण कट गए, तो यहाँ पर हमारा भागफल 0 आ गया। तो भाग देने पर क्या आंसर आया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा जी एक्स का मान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्षेत्रमिति से रिलेटेड है। यदि घनाभ की भुजाएं 5:3:2 के अनुपात में है, घनाभ जो होता है उस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाओं का अनुपात हमें दिया हुआ है, ना कि भुजाएं। फिर आगे यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 558 सेमी स्क्वायर है, तो उसकी कोरों की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोरों का मतलब हमें तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात यहां पर करनी है, और जबकि जो भुजाएं हैं उनका हमें अनुपात दिया हुआ है। तो दोस्तों जब भी अनुपात दिया हो तो सिंपली हमें मान लेना है, क्या मान लेना है, यह हमने मान लिया कि घनाभ की जो लंबाई है अनुपात 5 है, तो इसको 5x मान लिया, जो चौड़ाई है उसको 3x मान लिया, और जो ऊंचाई है उसको हमने 2x मान लिया। तो इस तरह से हमें घनाभ की जो भुजाएं हैं वो हमें यहाँ मिल गई है, 5x, 3x और 2x। तो अब सबसे पहले यहां पर हमें दिया हुआ है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 दिया हुआ है, तो यही हमें काम में लेना है। नीचे आप देख सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मैंने लिखा 558, और यहां पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैंने जस्ट नीचे लिख दिया, क्योंकि तो मुझे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मालूम है। तो यहां पर मैं मान रखा, मैंने मान रखने के बाद में हल किया, और हल करके आप भी इसको सिंपली हल कर सकते हैं बुक में, और हल करने के बाद में आपने देखा कि यहाँ x बराबर मेरा आ गया प्लस माइनस 3 आ गया, तो x का मान मेरे को निकल गया, यहाँ प्लस 3 हम लेने वाले हैं। तो घनाभ की जो लंबाई स्टार्टिंग में हमने मानी थी 5x, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे हम 3, आप देख सकते हो, तो 5 × 3 15 सेमी, और इस तरह से 9 सेमी, और इसी तरह से जो ऊंचाई है वो 6 सेमी आ चुकी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लेंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा और लेंदी हो जाएगा, तो वो ज़्यादा लोग देख भी नहीं पाते हैं उसको, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इससे संबंधित क्वेश्चंस आप घर बैठ करके बुक में से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।